आप सभी को शांतनुदेव का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग जा रहे हैं उदयगिरी की गुफाओं में। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा से 2 किलोमीटर दूर है, बासुदा से तकरीबन 50 किलोमीटर और भोपाल से तकरीबन 60 किलोमीटर। और अब हम देखते हैं कि हम कहां तक पहुंचे हैं। बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं विदिशा के पास में। मैंने 20 किलोमीटर में चल चुका हूँ, 1 घंटा हो चुका चलते हुए। साइकिल मेरी ये खड़ी हुई है, सूरज देवता अभी तक कहीं दिख नहीं रहे, अलग इसी साइड से निकलेंगे इसी साइड से यहाँ। और जब तक मैंने सोचा कि मैं अपना हेलमेट फिर से पहन लूँ, तो पीछे सूर्योदय हो चुका था। ये सूर्य बहुत ही अच्छा एक नज़ारा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेट उठता हूँ मैं काफ़ी, तो ऐसा सूरज देखने काफ़ी कम मिल पाता है, बट ये सूरज बहुत ही अच्छा था। रास्ते में आगे बढ़ा तो ये 2 बच्चे भी मिले मुझे, और ये हमारे गाइड हैं आज के। ये हमें बताएंगे कि उदयगिरी में आखिर है क्या। हाँ जी बताएं। यहाँ पे उदयगिरी में तो गिनती में 20 गुफाएं हैं जी, और 20 में तो 2 गुफाएं जो हैं जैन की, ये जैन वाली गुफाएं दोनों पहाड़ी की चोटियों पे बनी हैं। अच्छा। तो उनके अंदर जो मूर्ति है वो बाद में ला के बिठाएंगे, तो वो भी खंडित हैं, तो लोग वहाँ कम जाते हैं। और यहाँ पर जितनी भी आप गुफाएँ देख रहे हैं ये सब ओरिजिनल है, और इनके अंदर जो स्टेचू कटा हुआ सब इसी पत्थर में कटा हुआ, अलग से नहीं। ये पहाड़ पूरा है इसी में काटा हुआ, इसको काट काट के बनाया है। पहाड़ी की जो चट्टान है वो काट काट के गुफाओं को बनाया गया है। तो इनके अंदर जो है रूम टाट के काट दिए, और उन्हीं के अंदर जो है मूर्तियाँ वगैरह कटी हुई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सारी मूर्तियाँ इसी में कटी हुई है, अलग से नहीं बिठाई हुई। तो यहाँ पर ये गुफाएं जो है राजा चंद्रगुप्त जो सेकंड थे ना द्वितीय, हाँ जी, उनके टाइम की बनी हुई है, 4th-5th शताब्दी की। तो ये करीबन 1600-1700 साल के आसपास पुरानी है जी। उसमें सबसे बड़ी अच्छी और सुंदर मूर्ति है विष्णु जी का बराहावतार। अच्छा, ये विष्णु जी की मूर्ति है। तो इसके बारे में बताते हैं कि पुराने टाइम में जो है कोई हिरणाक्ष नाम का एक राक्षस रहा था जी, उसने पृथ्वी को पूरा समुद्र तल में छुपाया हुआ था। यहाँ पर देखा जी लाइनिंग द्वारा ही, हाँ जी हाँ जी, समुद्र दिखाया हुआ है। तो इसके अंदर जब वो पृथ्वी को छुपा देता है और ऊपर से उसको तमाम गंदा करके रखता है, इसलिए उसको दोबारा से कोई पवित्र देवी देवता निकाल ना ले। तो उस पीरियड में ये सब ऋषि मुनि देवतागण जो है विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जिन्हें ये पृथ्वी को बचाइए, इसको निकालिए। उस पीरियड में भगवान विष्णु ने अपना चेहरा जो है वराह का बनाया था। वराह माने होता है सुअर, जिसको इंग्लिश में पिग बोलते हैं, बोर, क्योंकि वो कहीं भी गंदी जगह में चेहरे को डाल सकता है। इन्होंने इस रूप को धारण किया और समुद्र के अंदर से ये पृथ्वी को बाहर खींच कर लाया हुआ, मुंह में दबा हुआ ना एक लेडी जी जी जी, पृथ्वी है भूदेवी, उनको गंदी जगह से बाहर निकाला हुआ है। जब ये पृथ्वी को बाहर निकाल देते हैं तो फिर उसकी खुशियां मनाती हुए स्टार्ट में उन्होंने कुछ संगीत वगैरह बजाए हुए। अच्छा जी, गिटार वगैरह। ये समुद्र के द्वारपाल के रूप में है नागराज, ये यक्ष को, ये पृथ्वी को, ये समुद्र के देवता है वरुण देव। यहाँ पर ऊपर की साइड में आप देख रहे हैं एक मगर के ऊपर खड़े हुए, दूसरी कछुए के ऊपर खड़े हुए, दोनों नदियों को दिखाया हुआ देवियों के रूप में, गंगा और यमुना। मगर के ऊपर है वो गंगा है, कछुए के ऊपर जो है वो यमुना जी है। ये जितनी गुफाएं आप देख रहे हैं अभी देखेंगे, ये पूरी एक पत्थर से बनी हुई है, पूरा पहाड़ एक है। इस पत्थर को काटा गया है, इससे कमरे बनाए हैं। जो आपने अभी थोड़ी देर पहले वराह की मूर्ति देखी, ये शिवलिंग देख रहे हैं आप, ये सब कुछ एक पत्थर है, आपस में सब जुड़ा हुआ है। हाँ, इस तरफ ये जो है ये सब थोड़ा पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, बट वो भी पहले के रखे हुए हैं, कि आदमियों ने किसी ने भी नहीं रखे, मैन मेड कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और बारिश के मौसम बहुत ही अच्छा होता है, जब पानी नीचे आता है तो वो समुद्र का जो उन्होंने वर्णन किया था वो बिल्कुल वैसा ही लगता है। मैं विदिशा के पास उदयगिरी की गुफाओं के पहाड़ी के ऊपर अभी इस समय आ चुका हूँ। मुझे तकरीबन 3 घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में बासुदा से। रास्ता तो ठीक है, हालत बहुत ख़राब हो गई है, आदत नहीं है इतनी दूर चलाने की, बट यहाँ आने के बाद वो सब चीज़ें भूल गया हूँ मैं, जो मैं थकान वकान महसूस कर रहा था यानी। अब आप इसको देखिए एक बार, शायद आपको साइकिल भी दिख जाए मेरी नीचे। एक व्यू जिसके लिए मैं घूम रहा हूँ इतने दिनों से, बारिश अगर होती शायद तो ये कुछ और मज़ेदार होता। देख रहे हैं गुफाएं बहुत दूर दूर तक हैं यहाँ बनी हुई, और पहाड़ी है, कुछ पत्थर एरिया, कुछ पीछे क्रशिंग चल रही है शायद से। और बड़ा पहाड़ है, ये छोटू है, इसका नाम साहिल है। ये साहिल मुझे रास्ते में मिल गया था, ये मेरे को लेके आया, यही घुमा रहा है तब से।
यहाँ देखिए आप, एक गुफा यहाँ भी है दूर जाके। अभी मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, शायद जाऊँगा या शायद नहीं, कह नहीं सकते क्योंकि धूप बढ़ रही है और मुझे वापस भी। तकरीबन 1500 साल पुराने इस ऐतिहासिक जगह को देखने का सबसे अच्छा समय जो है वो बारिश का जो मौसम होता है वो है। मैं जिस समय गया था उस समय बारिश नहीं हो रही थी, पूरा सूखा पड़ा हुआ था, गर्मी बहुत तेज़ थी और ऊपर से मैं साइकिल से आया हुआ था तो जिसके कारण मैं थक भी गया था। धूप खाका के मेरे को पानी भी नहीं था वहाँ पीने के लिए, वो मेरी गलती थी। हालांकि पीछे रिजॉर्ट है वहाँ से मैं ले सकता था, बट उसके लिए भी पहाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं गंज बासुदा वापस लौटता हूँ, रास्ते में मैं खाना वगैरह खाऊंगा कहीं रुक के। बट यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और ये एक देखने लायक जगह है, इसको देखने ज़रूर आना चाहिए। कभी भी आप विदिशा की ओर निकलें भोपाल से या गंज बासुदा से, तो एक घंटा दो घंटे के लिए आप इधर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मन की बात अगर बताना चाहते हैं तो कॉमेंट में जाके लिखें।